थे बारिश में नहीं भीग में, अब खांसते रहो दिन भर। तो कब बाहर भी नहीं जाएंगे का दीदी? बहस करोगे हमसे? हम बहस कर रहे हैं, जिसको देखो ये घर में हमको सुना देता, अब तो डब्ल्यू भैया भी हमको सुना रहे। तो बड़े भाई हैं तुमरे, कुछ सुना नहीं सकते तुमको? ये घर में हम ही बचेगा सुनाने को। निमकिया को कोई कहा नहीं सुनाता? खांसना है तो बाहर जाके खांसो, जाओ। काहे उसको बाहर भगा रही हो? हाँ हो गया ना तुमरा, अब खांसी आ रहा है तो खांसबे ना करेगा कि मुंह बंद करके बैठ जाएगा? काढ़ा बनाए है तुम्हारे लिए, दो चार बार पियोगे तो ठीक हो जाओगे। पर्वतिया काढ़ा लेकर आ। ला रहे हैं मालकिन। ते हैं सब बहुत। ये पीना पड़ेगा। नुकसान नहीं करेगा बेटा, पी लो, जोहर नहीं है। तुमरी वो घाट टोला वाली आई कि नहीं? वो कहाँ आई है अब तक? तुमसे पूछे हैं? लगती हो हर बात पे अपनी नकिया घुसेड़ने। चलो ना काम करो अपना। जा पर्वतिया, अम्मा हमसे पूछ रही हैं। नहीं अम्मा, अब तक नहीं आई हमरी निमकी। कई कहाँ है? बाजी का खुल्लम खुल्ला चैलेंज दी है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, गई होगी वो लड़की से मिलने। अम्मा वैसे तुमको क्या लगता है, वो जो निमकिया बाऊजी को चैलेंज दिया? तुम्हारे बाऊजी से जीतेगी वो घाट टोला वाली? औकात है का उसका? मगर बाऊजी सच में हार गए तो? चुप करोगे तुम? चुपचाप काढ़ा पियो, ज्यादा दिमाग चलाने का जरूरत नहीं है। लड़की से मिलके तुमको बोले है ना ये पचड़ा से दूर रहो, तुमको बुझा नहीं रहा है? हम आखिरी बार बोल रहे हैं, ये मामला से दूर रहो, जो करना है बब्बू के बाऊजी करेंगे अपने हिसाब से, और हम 10 बार ये बात बोलेंगे नहीं, ना तो समझ लेना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को भी ना बर्बाद कर देंगे हम। कहे से ना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है मदर इंडा, हमको ये मामला से दूर ही रहना चाहिए। वैसे भी फादर इंडा तो है, तो हम काहे बीच में पड़ रहे हैं? अकल आ गया तुमको? अरे देवर जी तबीयत ठीक तो है? मदर इंडा काढ़ा बना के पिलाइए देवर जी। अच्छा बॉस, बहुत रिश्तेदारी गठने का जरूरत नहीं है तुमको, चलो जाओ अपने कमरा में, आई मामला से दूर रखो अपने आप को। आप एकदम सही कह रही हैं मदरिन, अब आप जो बोलेंगे वो करेंगे और ये मामला में नहीं पड़ेंगे। ये छोड़ी अचानक से मान कैसे गई? कोशिश करके हार गई होगी अम्मा, अब इसको अपना औकात समझ में आ रहा है। अब खेला डायरेक्ट नहीं होगा मदर इंडा, बस देखते जाइए कि हम क्या करते हैं। चिराग और ऋचा के शादी में कौनो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, केहू के कानो कान खबर नहीं होना चाहिए बलात्कार के बारे में। आप बिल्कुल टेंशन आइए नहीं, हम तो आज से गांव में माहौल बना दिए हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रेम में गिरफ्तार था, इसलिए लव मैरिज हो रहा है। वैसे बाबूजी लव मैरिज कराने से आपको बहुत फायदा होगा, अरे पूरा जवान लौंडा लोग का सपोर्ट मिलेगा। बूढ़ा लोग भी दब गया तो? नहीं जी, जमाना बदल गया है ससुर जी, आजकल तो बूढ़ा लोग ये सोच के रोता रहता है कि हम काहे नहीं किए लव मैरिज। मतलब जवान बूढ़ा दोनों खुश हैं, दोनों तरफ का वोट हमारा तरफ। इतना आसान भी नहीं है। का मतलब? निम किया
चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अब तक वीडियो के साथ मिलके प्लानिंग कर ली होगी कि कैसे वो लड़की को बचाना है। देखो भाई, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वीडियो उसके साथ क्या कर लेगी वो निमकिया और उका वो वीडियो टिकेगा हमारे सामने। अब एकदम चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम सब संभाल लेंगे। बब्बू बेटा देखो, शेर हो या बिल्ली, जख्मी हालत में आओ जोर से झपट्टा मारता है। निमकिया को कोनो हालत में इस शादी तक रोकना होगा, यही हवेली में रखना होगा। हाँ तो ठीक है बाबूजी, बिलाई को पिंजरा में बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं कितना झपट्टा मारती है। अभिमानी बाबू, पूरा प्लान हो गया है। नाहर सिंह जाकर चिराग को उठाएगा, फिर हम उस चिराग बाबू को पंचायत में लेके जाएंगे पूरा गांव के सामने, और फिर अभिमानी बाबू पता नहीं कहा है, लेकिन हमको हर पल ऐसा लगता है कि ऋचा हमको पुकार रही है, चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए बुला रही है। हम उसको बचा के रहेंगे, जब तक हम उसे बचाएंगे नहीं ना हमको चैन नहीं मिलेगा। वो सब तो ठीक है निम्की जी, मगर आप ही नार सिंह के साथ हाथ मिला के ठीक नहीं किए। हम जानते हैं अभिमानी बाबू, लेकिन अगर वो हमको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हम भी उनको इस्तेमाल करेंगे, हिसाब बराबर। आप उसको जितना इस्तेमाल कर पाएंगे उससे कहीं ज्यादा वो आपका इस्तेमाल कर ले, बहुत छातिर आदमी है वो। अभिमानी बाबू, आप हमको क्या समझते हैं, मकलोल है का हम? डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ निमकी मुखिया। अंडरएस्टिमेट नहीं, अंडरएस्टिमेट। अरे हाँ, तो आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत निकलेंगे हम। निमकी जी, आप ना हर बात को फिल्म का सीन मत समझा कीजिए। देखिए, हम कल सुबह तक आ जाएंगे, आप हमारे आने से पहले कहीं मत जाइएगा। आप हमको ऑर्डर दे रहे हैं? जी हाँ, ऑर्डर ही समझ लीजिए। निमकी जी, आपको पता ही नहीं है ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं। तेतर सिंह जी को पता चलेगा तो वो चुप बैठे रहेंगे का, और आपके बब्बू सिंह ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। देखिए निमकी जी, एक बात मत भूलिएगा, ये लोग राजनीति और सत्ता के लिए आपको भी नहीं छोड़ेंगे। राजनीति और सत्ता के लिए ही तो ये लोग हमको छोड़ नहीं रहे जी। अब कुछ नहीं तो ठीक है, हम समझ गए आपका बात, हम आपके साथ ही जाएंगे। देखिए, आपका ऑर्डर ही नहीं मान रहे कि आप हमारे फ्रेंड हैं, तो हम अगर आपकी वाइफ होते ना तो हम आप पे ऑर्डर चलाते। अरे क्या हुआ, झटका कहे गए? नहीं नहीं, एक मिनट, वो कहा है, मासी जी बार बार फोन कर रही हैं, हम करते हैं आपको 5 मिनट में फोन। जी ठीक है। अभिमानी बाबू ठीक कह रहे, नाहर सिंह और हमारे फादर इन ला कमीना टाइप का लोग हैं, उनसे होशियार रहना होगा हमको। ऊपर से फादर इन ला हमको आगे से चैलेंज भी कर दिए हैं। और चिरागवा का शादी तो वो लड़की से हम करवाते ही रहेंगे, तुमको जो करना है कर लो। एकदम विलन लग रहे थे कसम से। हम अभी मनी बाबू के साथ ही जाएंगे चिराग को पकड़ने। जी मासी जी, कैसी हैं आप, कब आ रही हैं वापस? निमकी जी, एक वो प्रॉब्लम हो गया है, मासी जी का तबीयत बहुत खराब हो गया है, हमको उनके पास जाना हो। का? आप ऐसे अकेले नहीं, आप इसमें मत पड़िए, अभी हम देख लेंगे बाद में। लेकिन तब तक उन लोग चिराग और ऋचा का शादी करवा देंगे। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे, हमारे साथ टुन्ने है, पापा है, और अगर आप चाहते हैं ना तो अलीना को हमारे पास छोड़ दीजिए, हम ध्यान रख लेंगे। नहीं नहीं, अलीना को हम साथ लेकर जाएंगे, मासा जी का तबीयत बहुत खराब हो गया है, और यहाँ वो बलात्कार और ये सब का बातचीत होगा तो हम अलीना को साथ ही लेकर जाते हैं। जी ठीक है। निम्की जी एक मिनट, देखिए आप अपना ध्यान रखिएगा निम्की जी, और आप अकेले कहीं मत जाइएगा। फिर से हमको अंडरएस्टिमेट।
एस्टिमेट कर रहे। चलिए ठीक है निंकी मुखिया जी, हम आपको अंडरू क्या बोली थी आप, अंडर सीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है चलिए हमको भी जाना होगा, रखते हैं जी। क्या हुआ, काहे टहल रहे, कब जुआ है? जब हमारे दिमाग में टेंशन भरा हुआ है और तुमको मजाक सूझ रहा है। मारेंगे जूता से। अहिने है चप्पल, मारेंगे जूता से। अच्छा क्या हुआ, काहे इतना टेंशन में चाचा, क्या बात है? अरे तुमको दिख नहीं रहा जो हो रहा है, निमकी नाहर सिंह से जाके मिल गई है और वो करना चाहती है जो तेतर सिंह जी के खिलाफ है। हाँ तो? हाँ तो का? तेतर सिंह जी को पता चलेगा तो क्या होगा, बुझती हो तुम? अरे बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा वो हवेली में, हमारी निमकी पर सब टूट पड़ेगा। हाँ साहब हुआ पर दुलारे जो करता है सब निमकी से बात। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ टुन्ने ऐसा काहे बोले तुम? मतलब कि ममिला में हुआ पर हवेली में सब खिलाफ है ना है निमकी के। तेतर सिंह जो वादा किए थे निमकी से पूरा किए का बताइए आप हमको। अरे चाचा बस आप चिंता मत कीजिए, निमकी जो कर रही है ना एकदम सही कर रही है, सच्चाई के लिए लड़ रही है वो, इंसाफ के लिए लड़ रही है वो। अरे हमको तो इस बात का चिंता है कि कहीं सब नाराज हो के हवेली में उससे नाता ना तोड़ लें भाई, अकेली ना पड़ जाएगी हमरी निमकी। पापा कुछ भी हो जाए तूने एकदम सही बोल रहा है, वो हवेली वाला लोग इस समय ई मामला में दीदी के साथ विश्वासघात किया है। आप चिंता मत कीजिए, वो लोग अभी दीदी से नाराज है मगर बाद में दीदी सब संभाल लेगी। अरे अरे चाचा आप ना एक के हंगल मत बनिए, फिर चिरागुआ को सजा दिलवाने का ना यही है वो तरीका है। अनार सिंह अपना फायदा देख रहा है, आप लोग अपना फायदा देख रहे हैं, ये चांस हाथ से निकल गया चिरागुआ हाथ से निकल जाए। निमकी अगर वो ऋचा को इंसाफ ना दिला सकी तो कहो ना बात की मुखिया हो। ठीक कह रहा है तुम, निमकी जी आपको पता ही नहीं है ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं, ये लोग राजनीति और सत्ता के लिए आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये घड़ी में तो सिर्फ अभी तक 6 बजा है। ले लूटा यहाँ तो 11:30 बजा है, मतलब ये घड़ी बंद हो गया है। कर रही हो तुम? ये देखिए ना ये घड़ी बंद हो गया है। घड़ी का बंद होने से समय थोड़ी ना रुक जाता है निमकी। सही कह रही हैं आप, ऐसा होता तो ये घड़ी का काटा को हम उल्टा घुमाकर थोड़ा दिन पीछे कर देते और इज्जत का इज्जत बचा लेते। काश ऐसा हो पाता। घड़ी में बैटरी लगता है का?
हाँ, मगर शायद ये भी हवेली वालों से शर्मिंदा होकर बंद हो गया है। शायद ये भी समय को रोकने का कोशिश कर रहा है। आप ऋचा के लिए बहुत परेशान हैं ना? हाँ निम्की, ऋचा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। हमारे बाऊजी बदल जाएंगे ये हम कभी नहीं सोचे थे। खुद उनका बेटी को कोई बस जरा सा छेड़ का दिया, आदमी का जान ले लिए और आज अपना स्वार्थ के लिए उस लड़के के साथ मिल गए। हाथरिना से तो हमको भी बहुत उम्मीद था, लेकिन लेकिन कान इनकी मृचा का मदद नहीं करोगी? अरे हमरे बाऊजी ऋचा का शादी उन कमीने से करा रहे हैं जो उनका इज्जत लूटा। अगर ऐसा हुआ ना निम्की तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कोई भी राह चलता किसी का भी इज्जत लूट डालेगा। नहीं सुनी दीदी, हम ऋचा के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे, ये बात तो तय है। भाद्रला कुछ भी कर ले, कुछ भी कर, अगर तुम क्या करोगी निम्की? हम कल उस चिराग को पंचायत ले जाएंगे और पंचायत में फैसला करेंगे, और यहाँ पर बाबूजी नहीं, फैसला हम करेंगे। अगर बाबू ही होने नहीं देगा। बाबूजी, बाबूजी ने अब तक हमको अच्छे से जाने नहीं है। जिस निम्की को रूई का गोला समझ के दबाने का कोशिश कर रहे हैं ना, वो असल में पत्थर है, ना दबेगी और ना टूटेगी। निम्की, तुम ही सब लोगों से लड़ नहीं पाओगी, जानती नहीं हो हमरे बाऊजी को तो। आपका बाऊजी यानी हमरे फादर इन लॉ को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शायद वो हमको अब तक अच्छे से नहीं जाने। देखिए घड़ी चल गया, वो बैटरी का स्प्रिंग ढीला हो गया था। चिराग सुन 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 चिराग, हाँ भाई भाई ले, यहां से गाड़ी से सीधे पहुंच जाना दरभंगा। वहां पहुंच के ड्राइवर को पैसा देना, उसको वहां से चलता करना। फिर वहां पर जो दूसरा गाड़ी खड़ा होगा उसमें बैठना, उस समस्तीपुर जाना और वहां से तुमको ट्रेन पकड़ना है, बुझा? समस्तीपुर से कहे बाबूजी, दरभंगा से भी तो ट्रेन जाता है ना। अरे चुप रे बकलोल, अरे जितना कह रहे हो उतना सुनो, फिर होशियारी मत बतिया। तुमको नहीं पता कि चतरवा कितना बदमाश है, कि ड्राइवर जाके चतरवा से मिल गया तब क्या करेंगे हम? हम ध्यान रखेंगे बाबूजी। कलकत्ता पहुंच के एकदम ड्रामा मत करना, अपना गोड़ हाथ दोनों संभाल के रखना, मैं तो वहीं आके सीधे गोली मार देंगे तुमको। अरे हम कुछ नहीं करेंगे बाबूजी, इतना तो हम जानते हैं ना। इतना समझते तो इतना बड़का कांड तुम कर भी नहीं करते बाबू। चलो यहाँ से अब, चलो चलो। अरे सुन सुन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो, तुम भरे खड़ा है ना जी? हाँ वो, ये रुको, हम आ रहे हैं अभी। चल 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 चल। अच्छा सुन, रुक रुक रुक, अरे के जी, अरे कौन है? बंद ना करो इसको।